हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप सबके माइंड में डाउट आता होगा कि मैं कौन सा लैपटॉप यूज़ करता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको कौन सा लैपटॉप यूज़ करना चाहिए, अगर आप भी एक यूट्यूबर हो या फिर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो, तो आपको लैपटॉप खरीदने के टाइम पर कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहले मैं बताऊंगा कि मैं कौन सा लैपटॉप यूज़ करता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि जब आपको कभी लैपटॉप खरीदना है तो कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जब आपको लैपटॉप खरीदना है, आपको ऑनलाइन खरीदना है कि ऑफलाइन खरीदना है। और आपको यह भी बताऊंगा कि आपको इंटेल का i3 खरीदना है, i5 खरीदना है, i7 खरीदना है, मतलब लैपटॉप में आपको एक एक गाइड दे दूंगा और नीचे कुछ लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो आपको मेरे लैपटॉप का लिंक भी नीचे मिल जाएगा, तो उस लिंक को देख के आप जज कर लेना कि आपको कौन सा लैपटॉप खरीदना है और कौन सा लैपटॉप आपके फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा, यूट्यूब के लिए या फिर हैवी सॉफ्टवेयर चलाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पैसा लगाना ही है तो अच्छे लैपटॉप लगाओ। चलो पहले मैं आपको अपना लैपटॉप दिखाता हूँ, फिर बाद में आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं ये लैपटॉप यूज़ करता हूँ, आप पहले देख रहे होंगे एसर का लैपटॉप है, ठीक है। आपको मैं पहले से उसकी पूरी लुक दिखाता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी हार्ड डिस्क कितनी है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सी ड्राइव में 90 GB की स्पेस खाली है और यहाँ पे 839 GB खाली है, ठीक है, ई ड्राइव में। तो सी और ई ड्राइव को मिलाओगे तो ये 1 TB की हार्ड डिस्क बनती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन आता है कि मैं रैम कौन सी, कितने जीबी की रैम यूज़ करता हूँ अपने यूट्यूब पे वीडियो डालने के लिए और एडिटिंग करने के लिए। तो आप देख रहे हैं जैसे कि रैम मेरी 8 GB की दिखा रहा है, ठीक है। और मैं और उसके बाद आप देखिए सिस्टम टाइप में नीचे देखिए 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे मेरी विंडोज़ एक्टिवेटेड है, मैंने ओरिजिनल विंडो डलवाई है, पेड वर्जन लिया है मैंने, ठीक है। और ये मेरा ऊपर आप प्रोसेसर देख लीजिए सबसे ऊपर, जो कि दिख रहा है i5 7th generation, बल्कि मतलब मेरा बिल्कुल लेटेस्ट जनरेशन का लैपटॉप है। तो ये लैपटॉप मोर देन सफिशेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये इसका आपको अगर वेबकैम दिख रहा होगा तो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, अगर आपको वेबकैम दिख रहा है तो ये इसका देखिए फ्रेंड्स, ये इसका जो वेबकैम है ये HD वेबकैम है, ठीक है। तो इसी से मैं यूट्यूब की वीडियो शूट करता हूँ, अगर कभी स्क्रीन पे दिखानी होती है, ठीक है। तो आप ध्यान से देख रहे हैं, ये लैपटॉप मैं यूज़ करता हूँ और देखिए एसर का लैपटॉप है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसकी मैं आपको वॉइस भी सुनवा देता हूँ अभी। और अगर मैं इसकी वॉइस की बात करूँ तो वॉइस इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, मैं आपको प्ले करके गाना दिखाता हूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी में वॉइस चलती है। तो आपको यही लेना चाहिए, बहुत अच्छा बजटेड लैपटॉप है, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, आप इसकी वॉइस सुन सकते हैं। ट्रेडिंग करेंगे सिंपली, सत श्री अकाल। आप देख रहे होंगे इसकी वॉइस, और ये देखिए i5 का 7th generation का लैपटॉप है। मैं आपको एक बार फिर इसकी दोबारा वॉइस सुना देता हूँ फ्रेंड्स, काफी अच्छी वॉइस है, मतलब आपको स्पीकर लेने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। आप वॉइस एक बार फिर दोबारा सुन लीजिए। सुनते रहिए फ्रेंड्स आप इसकी वॉइस को। देखते रहिए फ्रेंड्स आप वॉइस इसकी, काफी अच्छी है। फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ मैंने इस लैपटॉप को लेने के टाइम पे किस किस चीज़ों पर ध्यान दिया था, आप भी उन चीज़ों को ध्यान करके देख लेना। नीचे लिंक मिल जाएगा आपको बाय करने का, और अगर आपको रिव्यू चेक करना है तो रिव्यू भी आप चेक कर लेना फ्रेंड्स, ठीक है।
सबसे पहला पॉइंट, मैंने कोई ब्रांड नहीं देखा, मैंने ये नहीं देखा कि मुझे असूस का चाहिए या मुझे लेनोवो का चाहिए या मुझे एप्पल का चाहिए। मेरा बजट 35 to 37 का था, तो 35 से 37 हज़ार में मुझे एसर का बढ़िया लगा। मुझे पता है कि देखो कोई भी चीज़ होगी, अगर अगर ये एसर का लैपटॉप है तो इसमें रैम अलग कंपनी बनाती है, हार्ड डिस्क बनाने वाली कंपनी अलग होती है, ठीक है। एक इस एसर का तो सिर्फ एक लोगो होता है, ठीक है, हार्ड डिस्क अलग बनती है, प्रोसेसर अलग कंपनी इंटेल बनाती है। तो फ्रेंड्स बेसिकली एसर के अंदर जो चीज़ें पड़ी हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की पड़ी हैं, तो यही चीज़ होती है। अगर आप किसी और अगर आप लेनोवो का भी लैपटॉप लोगे तो उसके अंदर भी यही होगा। लेनोवो ऐसा तो है नहीं कि रैम भी लेनोवो की होगी, हार्ड डिस्क भी लेनोवो की होगी, ठीक है, और मतलब हर चीज़ लेनोवो की नहीं हो सकती, ठीक है। तो मैंने ब्रांड नहीं देखा, आप भी ब्रांड मत देखो, आप अपना पहले कॉन्फ़िगरेशन सेट करो, किस कॉन्फ़िगरेशन में लेना है, i5 लेना है, i3 लेना है, और उसके बाद जो सस्ता लगे वो लो, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट फर्स्ट मैंने देखा रैम, इसमें मैंने रैम दिखा दी 8 GB की रैम है, जो कि आने वाले 10-15 साल तक मेरे लैपटॉप कभी जाएगा नहीं। अगर मैं हैवी से हैवी सॉफ्टवेयर भी चलाऊंगा, गेमिंग भी खेलूंगा, तब भी मेरे लैपटॉप को कुछ नहीं होगा, क्योंकि रैम मेरी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और 37,000 करीब मैंने इसको लिया है फ्रेंड्स, ठीक है। अब ग्राफिक कार्ड आता है, अगर आपको गेम्स खेलने का शौक है तो आप ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप ले सकते हो, आपको 2-3 हज़ार का एक्स्ट्रा महंगा मिलेगा, पर इसमें ठीक है मैं गेम नहीं खेलता हूँ, ठीक है, इसलिए मुझे गेम खेलने का शौक नहीं है। तो आपको शौक है तो आप ग्राफिक कार्ड के अकॉर्डिंग ले सकते हो, ठीक है। अब हार्ड डिस्क, इसमें 1 TB की हार्ड डिस्क है, अगर आपको 500 GB लेनी है वो भी ले सकते हो, 1 TB में आप डाटा बहुत सारा स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे इसके साथ में 1 TB मिली थी, तो मैंने 1 TB एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। अब एक SSD आता है, SSD क्या होता है, वो हार्ड डिस्क से बहुत महंगी होती है और उसकी स्पीड हार्ड डिस्क के मुकाबले डबल ट्रिपल होती है। तो वो वाला लैपटॉप भी आपको SSD वाला लैपटॉप सॉलिड स्टेट ड्राइव कहते हैं, वो महंगा मिलता है, ठीक है। तो SSD वाला लैपटॉप मत लेना, अगर लेना है तो वो भी ले लो, पर वो आपको महंगा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको विंडो को चूज़ नहीं करना है, ठीक है। अगर आप विंडो लैपटॉप लोगे तो आपको, अगर ये मुझे 37,000 का पड़ा, अगर मैं विंडो लैपटॉप लेता तो मुझे 42,000 का ओरिजिनल विंडो के साथ पड़ रहा था। मैंने इसको लाइनेक्स के साथ में लिया और विंडो मैंने एक्स्ट्रा से 1,000 रुपये की लेके, अगर आपको चाहिए हो मुझे बता देना, मैं आपको भी दिलवा दूंगा, 1,000 रुपये के एक्स्ट्रा विंडो लेके मैंने अपने इस विंडो को एक्टिवेट कर लिया। एक डिजिटल लाइसेंस होता है और आराम से, वो भी लाइसेंस कभी जाता नहीं है, 1,000 रुपये के करीब आपको मिल जाएगा और 7-8 साल तक कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। मैं बेसिकली मेरा तो कभी ख़राब हुआ नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको देखा है बैटरी बैकअप फ्रेंड्स एटलीस्ट 4 से 5 घंटे का हो, ये ना हो कि लैपटॉप आपने 40,000 वाला ले लिया, उसमें ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, बैटरी बैकअप अच्छा नहीं, तो उस लैपटॉप को भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर पैसे लगा रहे हो तो आपको बैटरी बैकअप भी देखना है, ठीक है। ऑडियो क्वालिटी देखनी है कि स्पीकर इसके बहुत अच्छे हैं, मुझे यूट्यूब पे वीडियो बनाने के टाइम पे माइक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसके स्पीकर खुद के बहुत अच्छे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब आपको देखना है जो ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है वो कम से कम 64 बिट का सपोर्ट करता है, 32 बिट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम का जमाना खत्म हो चुका है, 64 बिट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम लेना आप, ठीक है। अब स्पीकर में ध्यान रखना, स्पीकर की बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है, लोग अलग से स्पीकर लेते हैं, तो स्पीकर इसमें बाकी बहुत अच्छे हैं, स्पीकर के लिए आप इसको ले सकते हो इस लैपटॉप को, ठीक है। अब इसमें आपको एक HD वेबकैम देखना है, जो मेरा वेबकैम है वो HD वेबकैम है, दिन में तो वो अच्छी वीडियो क्वालिटी बनाता है, रात में वो थोड़ा डिम हो जाता है, तो रात में मैं वीडियो बनाता भी नहीं हूँ, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखे लैपटॉप लेना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पूरी कॉन्फ़िगरेशन चेक करो, एक बार रिव्यू चेक करो, देखो नेगेटिव रिव्यूज़ भी आएंगे पर ओवरऑल आपको देखना है, ज़्यादातर पॉजिटिव है तो आपको वो चीज़ को बाय करना है। फ्लिपकार्ट से मैंने इसको मंगवाया है, मैं आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन का लिंक दे दूंगा, बाकी आपकी इच्छा है, जो लैपटॉप आप लेना चाहो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग उस लैपटॉप को ले सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, बहुत अच्छी लगी हो शेयर करो, और डाउट हो तो कमेंट करो, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत अच्छा लैपटॉप है, आप ले लो 37,000 का अगर आपका बजट है, और ये i5 है, और अगर आपको लंबे रन के लिए लेना है, यूट्यूब पे काम करना है, हैवी सॉफ्टवेयर चलाना है, तो कम से कम आपको i5 और 8 GB रैम तो आपको लेना चाहिए, ठीक है, मिनिमम ये कॉन्फ़िगरेशन लो। अगर एक्स्ट्रा पैसे तो i7 पे चले जाओ, i7 प्रोसेसर पे चले जाओ, रैम बढ़ा लो, ठीक है, पर ये आपको लेना है, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट करो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।